हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्सटार विक्रांत। दोस्तों, आपको पता है आजकल ऑनलाइन गेम्स का ट्रेंड कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप कुछ यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स को देखते होंगे कि इन गेम्स को प्रमोट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पबजी मोबाइल, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह का आता है। बट दोस्तों, अगर कंपैरिजन करें पहले की गेम्स से, तो पहले जो ऑफलाइन गेम्स थी, GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी और प्रिंस ऑफ पर्सिया और गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम्स, तो ये पेड अवेलेबल होती थी मार्केट्स में। आप इनकी पेड कॉपीज़ खरीद के लाते थे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इनको एंजॉय करते थे। तो दोस्तों, आजकल जो ऑनलाइन गेम्स हैं, डिजिटल गेम्स हैं, ये फ्री टू प्ले मॉडल की गेम्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर अवेलेबल होती हैं, जिसमें आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ता और फ्री में गेम्स आपको प्रोवाइड होती हैं। तो दोस्तों, पहले की जो पेड गेम्स होती थी, उनकी ग्राफिक्स और यूज़र इंटरफेस वगैरह, आज की गेम्स की ग्राफिक्स और यूज़र इंटरफेस वगैरह में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। फ्री गेम्स में भी आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पेड गेम्स। बट दोस्तों, बात करें कि ये गेम्स फ्री क्यों हैं और वो गेम्स पेड क्यों हुआ करती थी, तो दोस्तों, जो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग था वो वही था जो हमको उनकी कॉपीज़ खरीद के लाते थे, उससे वो गेम्स अर्न करती थी। बट जो आजकल की फ्री गेम्स हैं दोस्तों, ये कहाँ से अर्न करती हैं, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्ले स्टोर पर मिलती हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ये अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती हैं, और जो ये अपनी गेम्स में रिसर्च करती हैं, डेवलपमेंट्स वगैरह करती हैं, उसका इनके पर रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैं इन फिगर्स से आपको ये समझाऊंगा कि जो फ्री गेम्स हैं वो अर्न कहाँ से करती हैं और जो ऑफलाइन गेम्स हैं वो अर्न कहाँ से करती हैं। दोस्तों, बहुत सी बेसिक लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना और आपको दोनों का कंपैरिजन बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आएगा। तो दोस्तों, फ्री टू मॉडल गेम्स के सबसे मेजर जो सोर्स ऑफ अर्निंग फैक्टर्स हैं वो हैं इन ऐप परचेजेस और प्रमोशंस। तो दोस्तों, इन ऐप परचेजेस क्या होती है और प्रमोशंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ फिगर्स के थ्रू समझाऊंगा बहुत बेसिक लैंग्वेज में, जिससे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आएगा कि जो फ्री टू प्ले मॉडल की गेम्स हैं वो अर्निंग कैसे करती हैं। तो दोस्तों, आप एक गेम का एग्जाम्पल ले लीजिए, पबजी का। तो पबजी की आप जो डाउनलोड्स, एक एवरेज डाउनलोड सपोज कर लीजिए 5 करोड़, पबजी को रिसेंटली 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, तो आप एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल ले लीजिए 5% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने उस पर इन ऐप परचेज करी है, तो 5 करोड़ का 5% 25 लाख। और आप बेसिक एक बंदे का एग्जांपल ले लीजिए कि पर बंदे ने स्पेंड किया है 1000 रुपीज़, तो एवरेज एक बंदे का 1000 रुपीज़, तो 25 लाख इंटू 1000 बन जाता है 250 करोड़। तो दोस्तों, 250 करोड़ जो है एक उनकी वैल्यू आ गई, और फिर ये जो इन ऐप परचेज की वैल्यू आ गई, और कुछ ये ऐप्स प्रमोशंस भी करती हैं, लाइक ओप्पो का कोई नया फ़ोन आता है, यामाहा की कोई बाइक आती है, या फिर वीवो का कोई फ़ोन आता है, तो इन फ़ोन्स को ये कंपनीज़ प्रमोट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा एलन वॉकर का एक सॉन्ग आया था, तो उस सॉन्ग को भी इन्होंने प्रमोट किया था, कुछ बीट्स को भी प्रमोट करते हैं, जिसका ये अलग से चार्ज करते हैं। तो आप उसको 100 करोड़ रुपीज़ मान लीजिए, तो 100 करोड़ रुपीज़ प्लस 250 करोड़, तो ये जो अर्निंग है ये फ्री गेम की अर्निंग है, जो फ्री गेम ने ये प्रमोशन से और इन ऐप परचेस से, इन फैक्टर से जो है इन्हें अर्निंग करी है। तो दोस्तों, अब एग्जांपल लेते हैं पेड गेम्स का। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी चीज़ है, पेड गेम्स अगर पेड होगी तो जो इसकी डाउनलोड्स हैं वो फ्री गेम से ऑब्वियस कम होंगी। तो दोस्तों, आप एग्जांपल ले लीजिए कि पबजी का किए ना 500 रुपीज़ में प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो 500 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो इसके जो डाउनलोड्स हैं वो 10 लाख मान लीजिए, और 10 लाख से सीधा 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 50 करोड़ रुपीज़। तो 50 करोड़ रुपीज़ तो डायरेक्ट जो अर्निंग आ गई, जो सेल करने से आ गई है। अब इसमें से आप एग्जांपल ले लीजिए 10% ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इन ऐप परचेज़ करी है, लाइक रॉयल पास और यूसी वगैरह स्किन्स वगैरह परचेज़ करते हैं, तो 10% के हिसाब से एवरेज पर बंदे की जो स्पेंड मान लीजिए 1000 रुपीज़ मान लीजिए, तो 1 लाख इंटू 1000, जो आपका जो 10 लाख है उसका जो 10% है वो 1 लाख हो गया, और 1 लाख इंटू 1000 हो गया 10 करोड़ रुपीज़। तो 10 करोड़ रुपीज़ तो ये जो इन ऐप परचेस की हो गई, और 50 करोड़ रुपीज़ जो हो गई वो गेम परचेस की हो गई, तो 50 प्लस 10 60 करोड़ रुपीज़। तो आप इसमें अगर प्रमोशंस भी इंक्लूड कर देते हैं 100 करोड़ का, जैसे कि मैंने फ्री गेम्स में करा था, तो 100 प्लस 60 160 करोड़। तो दोस्तों, कंपैरिजन अगर आप दोनों में देखें तो 350 करोड़ और 160 करोड़। दोस्तों, ये गेम फ्री होने के बाद भी इतनी अर्निंग करती है, और पेड होने के बाद भी इसकी अर्निंग कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों, ये रीज़न है कि ये गेम्स प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि इसकी जो इन ऐप परचेजेस हैं, प्रमोशंस हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पेड करने से ज़्यादा होता है।
बट दोस्तों एक फैक्टर ये भी है कि इन गेम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि लोग इस पर अट्रैक्ट हों और एडिक्टेड हों कि इसकी इन ऐप परचेजेस करने के लिए, कि ऐसे भी किसी भी गेम में आप पैसा स्पेंड करना चाहेंगे नहीं डायरेक्ट, कि जब तक उस गेम आप वो आपको अट्रैक्ट ना करे। तो दोस्तों अट्रैक्शन के लिए गेम्स प्रमोशंस करती हैं, यूट्यूबर्स से स्ट्रीमर्स से इस गेम्स को प्रमोट करवाती हैं, स्ट्रीमिंग करवा के प्रमोट करवाती हैं, जिससे लोगों में इसका जो क्रेज़ बढ़ता है, ट्रेंड, ये गेम ट्रेंड होती है। तो दोस्तों ये रीज़न है कि ये गेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, पेड नहीं है। दोस्तों पेड होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि गेम्स इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं जितना ये फ्री होने के बाद कर रही हैं। दोस्तों होप आपको रीजंस क्लियर हो गए होंगे कि ये गेम्स क्यों फ्री हैं और ये गेम पेड क्यों नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीजंस क्लियर हुए या नहीं हुए।